Is there any need to tell this again? O A construction bhi saath mein main bata rahi hu. Draw a row A ray O A. Then taking O as a center and radius 1 centimeter, draw an arc from O. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, taking OB equal to 1 as radius, draw an arc from O to B. उसके बाद from B with B as center, draw an arc cutting the previous one at C and again an arc with C as center, cutting the previous arc at D. Then taking D as a center, draw an arc, taking D and C as centers, draw the arcs which intersect at E, join E and O, so angle F O A will be 90 degree. पनिका क्या हो गया? 90 का एंगल बन गया सबका. अब हमने देखो यहाँ पे क्या करना है, वी आर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 degree. तो आपने ये 90 वाली आपका जो मेन पार्ट है, अब जो भी ये एंगल है इसका हमने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, क्योंकि 45 का डबल इज 90. तो अब आपने क्या करना है, ये पार्ट मैंने ले लिया, लेट अस सपोज जी ले लिया. तो अब मैंने जी और बी वाली जो ये आर्क है इसका मैंने क्या ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. आर्क का जब भी आपको बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो एक बार आप बी पे रखोगे, एक बार जी पे रखोगे कंपस. तो कंपस को रखो बी पे, आर्क लगा लो, मोर देन हाफ आपने इसको ओपन करना है. बाइसेक्टर के लिए यू नो, जब लाइन का भी ड्रॉ कर रहे हो या आर्क का भी ड्रॉ कर रहे हो तो जितनी उसकी ओवरऑल लेंथ है उसके हाफ से ज्यादा आपने उसको खोलना है. तो बी पे कंपस रखो, मोर देन हाफ हमने ये कंपस ओपन की. सेम वे में जी पे कंपस रखो, मोर देन हाफ उतनी ही, यानी कि जितनी आपने पहले खोली थी उतनी कंपस खुली रहेगी और ये आर्क लगा दो. इज इट डन? अब जहां पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को हम किसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसको मैंने एच ले लिया, ज्वाइन ओ टू एच. और ये लाइन आपने सॉलिड लेनी है तो बेटे मोर देन हाफ, अप्रोक्सीमेट हाफ से ज्यादा, 60 वाला चाहे खोल लो जितना 60 वाला था. अब ये एंगल जो है आपका, दिस वन, दिस इज 45 degree. आपने कलर्ड पेंसिल यूज नहीं करनी है, मैं सिर्फ कलर से इसलिए हाईलाइट कर रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दिस इज द एंगल. सो एम ओ ए इज द रिक्वायर्ड एंगल. मिलन हैव यू डन? एंगल एम ओ ए इज 45 degrees. क्लियर बन गया सबका? चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ. कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट 30 degree. 30 का डबल क्या होते है, आते हैं वो एंगल आपको. और एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जिस किसी डिग्रीज का भी आपको एंगल आया, इफ दैट डिग्री इज डिविजिबल बाय 15 तो इट मींस वो एंगल आपका कंपस से बनेगा. इफ दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 15 तो वो एंगल आप किससे बनाओगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, डी की हेल्प से फिर आप उसको बनाओगे. अब 30 डिग्री का एंगल हमारे पास आया है, 30 15 से डिविजिबल है, इट मींस यू विल मेक इट विद द बाइसेक्ट करोगे एंगल ऑफ 60. मुझे ना बीच में बॉयज के बोलने की आवाज आ रही है, मुंह बंद रखो और फिर काम करो. अगेन एक आर्क आपने ड्रॉ कर ली, एक रे आपने ड्रॉ कर ली ओ ए, जितने मर्जी सेंटीमीटर की ले लो. इज इट डन? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओ एस सेंटर, रेडियस 1 centimeter, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स ओ ए एट बी. ये इसको बी पॉइंट पे कट कर रही है, देन उतनी ही आपकी कंपस खुली रहेगी एंड बी पे रख के अगेन आर्क लगाओगे विच कट्स इट एट सी.
अब क्योंकि मेरा एंगल 60 डिग्री का नहीं है तो ये वाली रो जो रे आप ड्रॉ करोगे दिस विल बी द डॉटेड वन, सॉलिड लाइन नहीं लेनी इसके लिए, डॉटेड लोगे। अब आपका ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री का आया है, अब इसका हमने क्या करना है, बाइसेक्शन लेना है, ठीक है, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इतना कर लो, लास्ट टू बॉयज यू आर टॉकिंग, इज इट डन? चलिए, अब हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो मोर देन हाफ आप अपनी कंपास खोलेंगे, इस वाली आर्क से मोर देन हाफ, बी पे रख के आर्क लगा दो, हाँ जी, बी सी के हाफ से ज्यादा ये आर्क लगाओ, देन सी पे रखो और ये आर्क लगा दो। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो मैंने डी ले लिया। अब यहाँ पे क्योंकि 30 डिग्री का ही एंगल था आपका, तो ये वाली लाइन जो है आपकी क्या आनी चाहिए, सॉलिड आएगी, तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दिस इज योर 30 डिग्री एंगल। सो पी ओ ए इज 30 डिग्री। डन। नेक्स्ट एंगल कितने का है, 22.5, किसका हाफ है, 45 का, और 45 किसका हाफ है, 90 का, यानी कि सबसे पहले आप कौन सा एंगल बनाओगे, 90 का, 90 का हाफ करोगे यू विल गेट एन एंगल ऑफ 45, 45 का हाफ करोगे यू विल गेट एन एंगल ऑफ 22.5, हो जाएगा ये। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, 15 डिग्रीज, 15 किसका हाफ है और 30 किसका हाफ है, ठीक है, 60 ये बनाया, ये 30 बनाया, अब ये वाला जो एंगल है फर्दर हम इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 डिग्री। अब अगेन क्योंकि 15 डिग्री का एंगल चाहिए तो दिस लाइन विल बी डॉटेड। उससे क्या होगा कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा, जो भी सॉलिड लाइन उसको दिखेगी वहां से क्लियर हो जाएगा कि दिस इज द एंगल। हां जी, नो, इफ इट्स नॉट रिटन यू नीड नॉट डू। अब ये वाले पॉइंट पे रखो, मोर देन हाफ खोल लो, ये आंख लगाओ, देन इस पॉइंट पे रखो, उतनी ही कंपास आपकी खुली रहेगी, और ये आंख लगाओ, इनको ज्वाइन कर दो। हाँ जी, एनी डाउट? लाइन स्केल से लगाना ताकि सीधी आए। सारा सारा 30 का, 60 का या 15 का? 15 के लिए ये येलो वाली आग का हाफ करने, ध्रुव नाउ कंसेंट्रेट ऑन द बोर्ड, इस येलो वाले आग का हाफ करने, तो येलो वाले ये पॉइंट्स हैं हमारे जहां पे वो 30 डिग्री वाले को कट कर रहे हैं, कंपास को इस वाले आग के हाफ से ज्यादा खोल के आर्क लगाओ, फिर यहाँ पे रख के अगेन आर्क लगाओ, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर, तो दिस एंगल, ये वाला जो आपका एंगल आएगा दिस विल बी 15 डिग्री। आपका थोड़ा छोटा बन रहा होगा क्योंकि आप प्रॉपर उससे कर रहे हो, मेरी थोड़ी बहुत कंपास हिल भी रही है तो इस वजह से ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है, अदरवाइज 15 डिग्री का आपका कम मतलब यहाँ पे होगा मार्जिन। डन। चलिए अब नेक्स्ट वन क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। पहले आपने किससे बनाना है एंगल को, कंपास से, और फिर आपने उसको डी से क्या करना है, मेजर करके
वेरीफाई करना है. सो द फर्स्ट एंगल वी आर हैविंग इज 75 डिग्रीज. 75 का जो है 60 और 90 का हाफ करके आपका बनता है. आप इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जिन दो एंगल्स का आप बाइसेक्टर ले रहे हो उनका सम बाय टू कर लो. 60 और 90 का हाफ ले रहे हो, अगर आप उनका बाइसेक्टर ले रहे हो, 60 प्लस 90 इज 150, उसका हाफ करोगे तो जो आप एंगल बना रहे थे वही एंगल आपको मिलेगा. क्लियर. 60 डिग्री का हाफ किया, 30 डिग्री मिला था, 60 प्लस 0 किया आपने उसमें, देन और कौन सा किया था, 45 वाला, 90 प्लस 0 बाय 2 इज 45. तो सेम वे में अगर 60 और 90 का हाफ करोगे तो उनके सम का हाफ करोगे तो यू विल गेट दैट एंगल. तो सम ऑफ 90 एंड 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 75 डिग्री. तो यानी कि जो आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है उसके लिए आप 60 और 90 के बीच वाली जो आर्क होगी उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. बनाइए. आर्क ले ली ओ ए, 90 का एंगल ड्रॉ करो जल्दी से. दिस इज द थर्ड टाइम इस एक्सरसाइज में आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, अदरवाइज आपने पहले बहुत बार ड्रॉ किया हुआ है. फर्स्ट आर्क लगाइए, देन उतनी ही कंपास आपकी खुली रहेगी. सेकंड आर्क, ये आपका 60 का एंगल बन गया, एंड देन यू आर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. फिर मुझे बातों की आवाज आ रही है. साइमन आप वहां से उठ के पीछे चले जाइए. दिस इज योर एंगल ऑफ 90. अब 60 और 90 का हाफ करने, यानी कि इस वाली आर्क का मैंने हाफ करना, तो 60 वाली आप लाइन लगाओ ना लगाओ दैट इज योर विश. ठीक है, ये वाली लाइन आपने ड्रॉ करनी है नहीं करनी वो आपकी मर्जी है. मेरा मेन जो काम होना है वो किससे होना है, इस वाले आर्क से होना है. आई हैव टू बाइसेक्ट दिस. हां जी, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है. हां जी, अगर कंफ्यूजन लग रही है तो 60 का भी एंगल ड्रॉ कर लो. ये आर्क है, अब इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है. जो ये एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री का बन रहा है, 60 और 90 का डिफरेंस है 30 डिग्री. तो हमने क्या करना है, 75 चाहिए तो 60 से आगे 15 डिग्री और 90 से 15 डिग्री पीछे. तो इट मींस अगर हम इस 30 का हाफ कर दें तो वी विल गेट एन एंगल ऑफ 75 डिग्रीज. ध्रुव आप वहां से खड़े होइए, इधर फर्स्ट बेंच पे आइए. बी क्विक, मैं जब पढ़ा रही हूं और कोई बोल रहा हो ना तो आई गेट डिस्टर्ब्ड. प्रॉपर मेजर करके इनका बाइसेक्शन लो. ये बन गई आर्क्स दोनों. एक आपने इस पॉइंट पे रखनी है, एक 60 वाले पॉइंट पे रखनी है. क्लियर. अब इनको ज्वाइन कर दो, सॉलिड लाइन बनाएंगे यहाँ पे क्योंकि 75 डिग्री का हमारा एंगल है. नाउ दिस इज योर 75 डिग्रीज एंगल. ये जो मैंने पिंक वाला शेड किया है, दिस इज योर 75 डिग्रीज एंगल.
डन. नेक्स्ट वन इज 105. यस 90 और 125 का 120 का हाफ करोगे, यानी कि इसके लिए आपको इस साइड वाला जो आपका ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका हाफ करना है. क्लियर हो जाएगा? कौन सा 105 का डबल 210, दैट इज अ सम ऑफ 120 एंड 90. तो 120 ये वाला है आपका आर्क, 190 ये वाला है, यानी कि इस वाले आर्क को हम क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे. तो यहाँ कंपास रखो, यहाँ कंपास रखो, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही है इधर 90 प्लस 15 दैट इज 105. हो जाएगा 105. नेक्स्ट वन इज 135. 135 का डबल इज 270. 180 प्लस 90 इज 180 प्लस 90 इज 270, यानी कि जो आप बाइसेक्टर लोगे वो किसका लोगे, 90 और 180. तो इधर वाले पोर्शन का आपने एंगल बाइसेक्टर लेना है. इज दिस क्लियर? ये 90 और 180 का आप बाइसेक्टर लोगे तो दैट एंगल विल बी 135 डिग्रीज, 90 प्लस 45. तो 90 ये वाला एंगल है आपका, इधर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें प्लस 45 कर रहे हो, यानी कि इधर वाले 45 डिग्री का आप क्या ले रहे हो, बाइसेक्टर ले रहे हो. इधर वाले 45 डिग्री के लिए दिस आर्क यू विल टेक. ठीक है, ये आर्क है. बाइसेक्शन सेम वे में करना है. यहाँ पे कंपास रखो, मोर देन हाफ खोल लो, ये आर्क लगाओ, उतनी ही कंपास खुली रहेगी इधर रख के, यहां से ये आर्क लगाओ. अब इनको ज्वाइन कर दो, ये एंगल आपका 45 डिग्री का बनेगा. तो 90 प्लस दिस 45 विल गिव यू एन एंगल ऑफ 135. हां जी, हां जी, हां जी, बिल्कुल बेटे. अगर आप ऐसे बना देते हो ना ये, तो आपका ये वाला एंगल 45 कंसीडर होगा. जब तक इधर रे नहीं होगी, ये पूरा एंगल 135 है. तो जब आपने ये 90 ही शो नहीं किया तो वो गलत हो गया. दोबारा देख लो इसको, 90 का एंगल बन गया. अब 90 में आपने 45 और ऐड करना है, तो इधर वाले 90 का बाइसेक्ट करेंगे. इसके लिए कंपास को यहां रखना है, आंख लगानी है, ठीक है, फिर यहां रखना है, आंख लगानी है, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी वो ज्वाइन कर, जैसे इधर हाफ लिया था वैसे सेम वे में इधर ले. नाइंटी प्लस 45 इज 135, इसलिए आपको ये वाली आंख जो है वो शो करनी जरूरी है. गॉट इट? ये पूरा एंगल जो है आपका, दिस फुल एंगल इज 135 डिग्रीज. तो अगर आप ये इधर वाला 90 नहीं शो कर रहे हो तो वो 135 नहीं बनेगा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5. पहले होमवर्क पार्ट्स नोट करो. हां जी, पहले किए हूं मैं सारे फेयर में, फिर वही नोटबुक और ये प्रैक्टिस के लिए जो आप क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस नोटबुक में नोट डाउन दैट. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, देन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 एंड 3, एंड क्वेश्चन नंबर 5 वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. होमवर्क पार्ट्स क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन. आपको एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो आपकी मर्जी है, जितने मर्जी सेंटीमीटर की आप लाइन ले लो. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, आप 5, 7, 8 जितनी मर्जी ले सकते हैं.
ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लिया आपने, अब ए पे कंपास रखो, बी जितना कंपास को खोल लो, कंपास को ए बी लेंथ जितना खोल लो, ए पे रख के आर्क लगाओ एंड देन सेम कंपास खुली रहेगी, बी पे रख के फिर से आर्क लगाइए। जहां पे दोनों आर्क्स आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ज्वाइन दैट पॉइंट विद ए एज वेल एज बी, ए के साथ ज्वाइन करो और बी के साथ ज्वाइन करो। नेम दिस पॉइंट एज सी, इस पॉइंट को नेम दे दो सी। सो ए बी सी जो है दैट विल बी द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अगर आपने ये 5 सेंटीमीटर लिया है या 6 सेंटीमीटर लिया है तो सभी साइड्स की जो आपकी लेंथ है दैट विल बी सेम। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक लेंथ हमने ले ली, बेस वाली लेंथ हमने ले ली थी, कंपास को उतना खोल के ये दोनों आर्क्स लगाए तो ऑटोमेटिकली वो आपकी जो लेंथ है वो सेम आएंगे। चाहे आपने यहाँ पे 5.1 भी लिया हो तो भी वो सेम आएंगे, वो भी बना सकते हो जैसे मर्जी कर लो। हाँ कर सकते हो, बीच में जब आप 60 डिग्री बनाओगे आपको ये ध्यान रखना है लाइन सेगमेंट इधर है, तो जब आप एंगल ड्रॉ करोगे ये आंख लगाओगे यहां से ये 60 डिग्री बनेगी, फिर इधर से नहीं बनाना आपने, ये ध्यान रखना है ठीक है। हाँ जी सेम आएगा, चाहे आप एंगल 60-60 के बना दो, साइड्स मेजर करोगे साइड्स आपकी सेम आएंगे ठीक है। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 11.1। होमवर्क पार्ट्स आई हैव टोल्ड यू आर टू डू दैट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।